बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख रहे हैं सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल, इस वक्त आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। इस वक्त इकबाल उर्फ बाली साहब की छांट शुरू हो चुकी है फैक्ट्री के लिए, और यहाँ पर वर्कर जो हैं इस वक्त वर्किंग में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर माल को साफ़ किया जाता है और इसमें से जो इसकी डंडी है उसको उतारा जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पल्लियाँ एक साइड पर रखी गई हैं, उनको पल्लियों में से खोला जाता है, उनमें से माल निकाला जा रहा है, और खाली पल्लियाँ एक साइड पर फेंक दी जा रही हैं, और बाद में इसकी सफाई सुथराई का काम बाद में किया जाएगा। और इस वक्त मुख्तलिफ वर्कर जो हैं अपना अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह हमारे भाई हैं, कुछ यहाँ पर मेहनत वर्किंग करते हैं, पहले मार्केट में यहाँ पर भी काम करते हैं, उनके अलावा पार्ट टाइम में ये काम भी किया जाता है यहाँ पर। अभी गाड़ी आप देख सकते हैं तकरीबन तैयारी के मराहल में है, तकरीबन अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह लोड हो जाएगी और ये फैक्ट्री के लिए रवाना होगी यहाँ से। और यहाँ पर आपको कुछ जो वर्कर हैं उनसे बात करते हैं, और राणा अकील साहब से बात करके पूछते हैं कि सर आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत, तो ये बताएं कि इसके कितने मराहिल हैं, किस तरह से प्रोसेस होके यहाँ से जाता है माल और आगे कहाँ पे जाता है, और इससे क्या क्या प्रोडक्ट तैयार की जाती हैं, और माल की क्वालिटी बरकरार रहती है या क्या पोजीशन है, किस तरह से, और ये चोरी अकील साहब से बात करके पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकील भाई ये क्या पोजीशन है, ये किस तरह से यहाँ से तैयारी के मराहिल होता है, ये सारा प्रोसेस आपने बताना है हमें। वसीम भाई ये सुबह तकरीबन हम वहाँ से आते हैं 10 बजे के बाद। जी जी। उससे बाद हम काम शुरू हो जाते हैं इधर हमारा। जी सर। हम डंडी तोड़ते हैं, डंडी तोड़ के टापे में भरते हैं, टापे भर के गाड़ी में लोड करते हैं। जी 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 सर। उससे बाद ये फैक्ट्री में जाती है। जी सर। फैक्ट्री में जाने के बाद इसका जूस निकलता है। जी जी। जूस निकल के बाद ये फ्रूटी फ्रेश वाले आगे सेल करते हैं, इसमें पैकिंग होती है आगे जाके। ठीक ठीक ठीक। बस सर बहुत शुक्रिया। और सर जो जवान है माशाल्लाह मेरे भाई हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, नौजवान है जितने भी, उनकी डंडी तो माशाल्लाह बहुत मजबूत होगी हम जानते हैं, लेकिन जो कुछ कमज़ोर और बूढ़े हजरात हैं उनमें, उनके बारे में बताएं कि वो डंडी आसानी से तोड़ लेते हैं या मुश्किल होती है उनको। सारे एक्सपर्ट हैं डंडियाँ इनकी, मतलब कि या ये जो आप माल सामने निकाला हुआ है पलियों में से, इनकी कमजोर हैं या अभी ज्यादा सख्ती से मजबूती से तोड़नी पड़ती है या आसानी से टूट जाती है? अभी तकरीबन 12वें महीने तक तो सख्ती से तोड़नी पड़ेगी। जी 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 जी। जो स्टार्ट होगा जी जी, इसकी डंडी नरम हो जाएगी। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी उसका भी कोई फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, या मतलब सर्दी में डंडी आसानी से टूट जाती है या उसमें ज्यादा मेहनत होती है? सुबह 10 बजे के बाद तकरीबन और जैसे जैसे अकील भाई फूल के साथ कांटे भी होते हैं, तो ये बताएं कि ये इसकी डंडी जो अब यहाँ से उतारते हैं माल्टे के ऊपर से तोड़ते हैं, तो कभी आपको कांटा भी चुभा? माशाल्लाह ये कांटे लगते हैं सारे हाथों। अच्छा, में कांटे लग गए हैं, कांटे बहुत सारे लग जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ चोरी अकील साहब, राणा साहब माशाल्लाह लेबर के चेयरमैन साहब थे, राणा जमील साहब इस वक्त माशाल्लाह मोहम्मदी बिस्तर लगा के नीचे बैठे हुए हैं, और हम जमील साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं सर ये किस तरह से कितने मुश्किल मराहिल में से आप गुजर कर इसको फैक्ट्री में ले जाते हैं और क्या पोजीशन है? और ये राणा साहब हमारे भाई हैं, भाग रहे हैं इस वक्त, लेकिन कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, हम भी बहुत ढीठ हैं, जान नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हमसे बात नहीं करते। सर अस्सलाम वालेकुम। आए बाजू में चलते हैं। तो ये जी इंशाल्लाह क्यों नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा रहे थे, माइंड मत कीजिएगा क्योंकि हमारा काम ही यही है सब दोस्तों को हंसाने का, और इस वक्त हम मजाक के मूड में थे, आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना माशाल्लाह। और आगे चेयरमैन साहब राणा नबील साहब भी मौजूद हैं, और माशाल्लाह मोटे मोटे शीशों वाली उन्होंने चश्मा लगा रखा है, ग्लासेस बहुत ज़बरदस्त और प्यारी लग रही है, और स्माइल करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई ऐश्वर्या राय मुस्कुरा रही है। और सर बताएं क्या चक्कर है, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो आप तो घर बैठ के भी खा सकते हैं माशाल्लाह, सीज़न आपका आम का बड़ा टैड लग गया था, लेकिन आप छांट में इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं? माशाल्लाह आपका इतना कमाल है कि
जो सा अच्छा खासा कमाई करने वाला शख्स वो भी मजदूरी पे आ गया। जी सही कह रहे हैं आप सर, सही कह रहे हैं, लेकिन आपने तो काफ़ी माल तय लगा लगा के रखा हुआ है, तो नबील भाई आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी काम करने की, बिलों के जरिए सब छीन लिया, सब छीन लिया है, तो यानी कि आप सब खाली हो गए, कंगले नवाब हो चुके हैं इस वक्त। बहुत ज़बरदस्त सेटअप है यहाँ पर दोस्तों, हम मजाक के मूड में थे, हमारे भाई हैं नबील भाई, और अल्लाह ताला इनकी सेहत तंदरुस्ती दे, इनको इनके माल में रिजक में हर चीज़ में इजाफा करे और बरकतें और तरक्कियाँ अता करें इन सबको, भाइयों को बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप सब दोस्तों के तावुन का शुक्रिया, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से हमारे चैनल पर हैं तो हमें अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे हैदरी।